बिलारी नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे मोहल्ला सिद्धार्थ नगर में नगर पालिका परिषद के सभासद देवेश शर्मा और चेतन चौधरी का सिद्धार्थ नगर वासियों और विभिन्न अन्य मोहल्लों से आए विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलमालाएं पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर देवेश शर्मा और चेतन चौधरी दोनों सभासद नगर पालिका परिषद बिलारी को सम्मानित किया। अभी हाल ही में दोनों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने सदस्यता ग्रहण कराई है। देवेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से पूर्व समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। कार्यक्रम का संचालन नागरिक मंच के संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता संजय सक्सेना ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर विजय पाल सिंह ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर एस के पांचाल, लाखन सिंह, मेरादी श्रुति, प्रमोद कुमार शर्मा, उदयपाल सिंह, ओमवीर सिंह, सुनील कुमार एडवोकेट, गोपाल सिंह सोलंकी, मोहित त्रिपाठी, रोहिता सक्सेना, के नवल, कनक मास्टर, गोपाल चौधरी, जमुना प्रसाद, गजेंद्र सिंह, मुशर्रफ हुसैन, राजीव चौधरी, डॉक्टर विनीत चौधरी, आशीष राणा, सतीश चौधरी, आशुतोष शर्मा, सुनील भटनागर, सुभाष चंद्र शर्मा, चेतन शर्मा, पुजारी जी, राहुल ठाकुर, मनीष कुमार सागर, रामफूल सिंह कश्यप, जितेंद्र सिंह सागर, विजयदीप, डॉक्टर सियाराम प्रेमी आदि मौजूद रहे। अंत में सभासद देवेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। देवेश शर्मा ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, सदस्यता उसकी ली है, तो बिलारी में जरूर बदलाव आएगा। और अधिकांश बिलारी में क्या होता है, मैं किसी की ना बुराई कर रहा हूँ ना नाम ले रहा हूँ, जो भी लोग लड़ने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उन्हें अच्छा खासा हिंदुओं का वोट मिलता है। जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, परंतु वो जीतने के बाद इसे बिलारी को अनाज छोड़ जाती है। किसी कार्यक्रम में आपको प्रत्याशी नहीं दिखेगा जो चुनाव के समय लड़ने आया हुआ होता है, अगर वो हार जाता है तो फिर इधर को नहीं देखता। दो बात देवेश शर्मा में नहीं है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, परंतु नगर में काम करने का जज्बा है। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं यहाँ वक्ता के तौर पर यहाँ आमंत्रित करूँगा मेरे छोटे भाई मेरादी श्रोति जो एडवोकेट है। मैं चाहूँगा कि भैया हम तो गंगों की भी रक्षा करवाने के लिए तैयार हैं, आप लोगों से हम तो खुद तो करेंगे, लेकिन आप लोग भी कर लो और सुबह को अपनी एक एक रोटी जरूर निकालो गौ के लिए। जो गंगे हमारी टहल दी हैं इन्हें दो अपनी, या इकट्ठी करो या एक गुल्लक बना लो। अगर गाय नहीं आ रही है हमारी गलियों में तो एक एक गुल्लक बना लो। अपनी मिट्टी की गुल्लक आती है 10 रुपये 20 रुपये की, उसमें 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये रोट डालो, महीना 2 महीना में इकट्ठे जब हो जा 10 किलो 20 किलो राशन अपना जो है गौशालाओं में पहुँचा दो। ये हाथ जोड़कर विनती है आप सब लोगों से, इस बात का धन्यवाद आप लोगों का। अपनी बात इसके अलावा मैंने अपने पिछले कार्यकाल में शमशान घाट की जो दुर्दशा थी उसको सही कराने का काम किया। आपने देखा होगा जितना टाइल पत्थर वहाँ बिछे, हॉल बना, वो सब काम कराने में आप लोगों के सहयोग से मैंने पार्टी का और विधायक जी का दामन पकड़ लिया था कि मैं जब छोड़ूंगा जब ये काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी को आना होता है हमारे हिंदू समाज के लोग। फिर उसके बाद मैंने पौड़ा खेड़े मंदिर में टाइल बिछवाने का काम किया, जबकि मैं समाजवादी पार्टी में रहा लेकिन मैंने शिशु मंदिर में भी काम कराने का काम किया। आप देख सकते हैं, तो हो सकता है पुराने भाजपा नेताओं के पत्थर वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको देवेश शर्मा का पत्थर और प्याऊ लगा हुआ मिलेगा। तो ये हमारे संस्कार हैं, हम शुरू से शुरू पड़े, हमने किसी भी पार्टी में काम किया, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, जिस समाज में रहते हैं और जिस समाज के लोगों के साथ काम करते हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए काम करें। तो जिस तरह मैंने पिछले अपने 9 साल के राजनीतिक करियर में काम किया है, मेरा तो यही सपना है कि ये बिलारी आदर्श नगर पालिका बने, आदर्श बिलारी बने, क्योंकि ये बिलारी बहुत विकसित हो गई है। अगर आप जाके देखेंगे